हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पेयर वॉल्फ हाइपोथेसिस, जो कि सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थियोरी है, एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो वी विल कम्प्लीटली डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। सो स्पेयर वॉल्फ हाइपोथेसिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली टू लिंग्विस्ट वर्क ऑन दिस थियोरी, दिस हाइपोथेसिस, एडवर्ड स्पेयर एंड हिज स्टूडेंट बेंजामिन ले वॉल्फ, राइट। सो दे इंडिपेंडेंटली वर्क ऑन दिस थियोरी। इन दोनों ने अलग अलग काम किया है, ये उनका कंबाइंड वर्क नहीं है, सेपरेटली उन्होंने काम किया हुआ है। एंड यू नो बेसिकली दे वर्क ऑन द सेम थिंग, सेम चीज़ पे काम किया हुआ, इसीलिए उनके आइडियाज़ को कंबाइन करके एक हाइपोथेसिस डेवलप किया गया, राइट। सो दे वर्क ऑन बेसिकली दिस थियोरी, दिस हाइपोथेसिस अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट के रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट को इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ था। सो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट देयर आर यू नो थ्री जर्नल क्लेम्स अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में तीन जर्नल क्लेम्स किए जाते हैं। पहला ये कि लैंग्वेज शेप्स द वे वी थिंक, लैंग्वेज शेप करता है। दूसरा क्लेम ये है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक, पहले में बताता है कि टोटली लैंग्वेज शेप ऑन द वे वी थिंक। एंड इन द सेकेंड अजम्पशन लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक। एंड इन द थर्ड लैंग्वेज प्ले नो रोल इन द वे वी थिंक। सो इस चीज़ को उन्होंने टेस्ट किया अपने हाइपोथेसिस के अंदर। सो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि उन्होंने क्या यू नो अजम्पशंस ड्रा किए अपने इस यू नो आइडिया से अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। सो दे वर्क ऑन अमेरिकन इंडियन लैंग्वेजेस पे वो लोग काम कर रहे थे। सो आइडिया आया कि क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए कि लैंग्वेज और थॉट का क्या रिलेशनशिप बनता है, वेदर यू नो थॉट और लैंग्वेज का रिलेशनशिप है कि भी नहीं, और किस तरह इन्फ्लुएंस करता है आपका थॉट आपके लैंग्वेज को या आपका लैंग्वेज आपके थॉट को। सो लिंग्विस्टिक थियरी दिया, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की भी बात की, उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो ये उसके बारे में बैकग्राउंड है। 1930s में उन्होंने काम किया हुआ इस चीज़ में, एंड इट शोज द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में है। सो यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल या लिंग्विस्ट। सो Assumptions के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सम बिलीव दैट द लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन आर थॉट, कि थॉट्स हमारे लैंग्वेज को शेपन करता है। दूसरे लोग सेट ऑफ पीपल यू नो ग्रुप ऑफ पीपल दे थिंक दैट अकॉर्डिंग टू द अदर द थॉट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, व्हाट वन परसीव इज डिपेंड ऑन द स्पोकन वर्ल्ड, कि थॉट लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है या लैंग्वेज थॉट के ऊपर। सो इस हाइपोथेसिस में हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। सो स्पेयर वॉल्फ हाइपोथेसिस क्या कहता है? सो इसकी स्टेटमेंट यह है कि इट स्टेट्स दैट द ग्रामेटिकल एंड मोर वर्बल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन्स लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ दे परसीव द वर्ल्ड, को किस तरह परसीव करते हैं लैंग्वेज उसको इन्फ्लुएंस करता है। एंड इट एम्फसाइज दैट लैंग्वेज आइदर डिटरमिन्स और इन्फ्लुएंसेस वंस थॉट, ठीक है, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। सो हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय आर थॉट प्रोसेस, आर लैंग्वेज लिमिट्स एंड थॉट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड। सो इट फॉलोज दैट आर लैंग्वेज शेप्स आर रिलेटिविटी। सो शेप हमारे रियलिटी को शेप करता है, उसको मोल्ड करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। सो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि नेटिव लैंग्वेजेस का भी इन्फ्लुएंस है। सो द नेटिव लैंग्वेजेस दैट वी यूज द शेप द वे वी थिंक एंड हाउ वी सी और परसीव द वर्ल्ड। वुल्फ ने इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि नेटिव लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस किस तरह होता है। सो इट दिस थियोरी
this hypothesis, it states that our language use shapes our perspectives of the world. इस चीज़ की बात करता है. सो वर्फ का क्या आइडिया है, वर्फ क्या कहते हैं. सो एक मिनट, बेसिकली हम लोग देखेंगे दोनों के आइडियाज़ को कि सपियर का क्या कहना था. सो एडवर्ड सपियर का ये कहना है कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट लिव इन अ सोसाइटी अलोन. लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी प्री डिस्पोज सर्टेन चॉइसिस ऑफ द इंटरप्रटेशन अबाउट हाउ वी व्यू द वर्ल्ड. सो आइसोलेशन में हम लोग नहीं रह सकते, बल्कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज के ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर, राइट. सो सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि देयर आर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट इन अ सोसाइटी जिनको हमने फॉलो करना होता है. जबकि वर्फ का आइडिया ये है कि वो कहता है वी डाइसेंट नेचर अलोंग द लाइंस विच आर लेड डाउन बाय आर नेटिव लैंग्वेजेस. सो हम लोग फाउंडेशन जिसने सेट किया हुआ है हमारे नेटिव लैंग्वेजेस ने, उनको हम फॉलो करते हैं इनविटेबली. नेटिव लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है, राइट. सो वी कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट्स इनटू अ स्कीम विच आर लेड बाय लैंग्वेजेस एंड इफ वी डू नॉट यू नो फॉलो देम और सब्सक्राइब टू दिस क्लासिफिकेशन वी कैन नॉट टॉक और कम्युनिकेट. सो देखेंगे जी उन दोनों के, ये थे दोनों के आइडियाज़ और उन्होंने क्या हाइपोथेसिस डेवलप किए, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर. सो सो दिस हाइपोथेसिस इज यू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरली हार्ड टू टेस्ट. टेस्ट करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि द रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लेक्स, यू नो बोथ साइडेड. लैंग्वेज का थॉट के ऊपर भी है, थॉट का लैंग्वेज के ऊपर भी है, ऊपर से सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आ गया, नेटिव लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ गया. सो दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस दैट इट एस्क्राइब्स टू ग्रामर रदर देन टू वोकैबुलरी. सो इसके कंट्रोवर्सीज भी हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस का बेसिकली टू पार्ट्स है, इस हाइपोथेसिस के एक स्ट्रॉन्गर वर्जन और एक वीकर वर्जन. सो इनमें से कौन सा यू नो करेक्ट है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे. सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस. द स्ट्रॉन्गर हाइपोथेसिस जिसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहेंगे हम लोग. सो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, ये कहता है कि लैंग्वेज डिटर्मिन थॉट. लैंग्वेज डिटर्मिन करता है थॉट को या हाउ वी परसीव द वर्ल्ड एंड दैट द लिंग्विस्टिक कैटेगरीज लिमिट एंड डिटर्मिन कॉग्निटिव कैटेगरीज. लिंग्विस्टिक कैटेगरीज डिटर्मिन करते हैं हमारे मेंटल जो थिंकिंग या कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निटिव कैटेगरीज होते हैं उनको, यू नो लैंग्वेज टोटली डिटर्मिन करता है. यह है जी इसका स्ट्रॉन्गर वर्जन, और वीकर वर्जन या वीकर हाइपोथेसिस देखेंगे इस चीज़ का. सो वीकर हाइपोथेसिस इसका है जी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का, राइट. लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म कहे या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहे. सो ये अकॉर्डिंग टू दिस लिंग्विस्टिक कैटेगरीज एंड देयर यूसेज ओनली इन्फ्लुएंस थॉट. थॉट को इन्फ्लुएंस करता है, कम्प्लीटली डिटर्मिन नहीं करता. अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें, सो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि लैंग्वेज डिटर्मिन आर थॉट्स, मीन्स ये कहता है कम्प्लीटली लैंग्वेज डिटर्मिन करता है हमारे थॉट्स को. सो उसके अलावा दूसरा इसका जो पोर्शन है वीकर लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का, अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट लैंग्वेजेस व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली. लैंग्वेज हमारे थॉट को कम्प्लीटली यू नो डिटर्मिन नहीं करता, समहाउ इन्फ्लुएंस करता है. दैट्स वाई डिफरेंट लैंग्वेजेस व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली. सो ये था जी इसके टू वर्जन्स. अभी क्वेश्चन आता है जी इनमें से करेक्ट कौन सा वर्जन है. सो ये हमने डिसाइड करना है बाय कीपिंग सर्टेन थिंग्स इन माइंड. सो हमें जब हम एनालाइज करते हैं इन दोनों को, वी कैम टू द कंक्लूजन दैट दिस वीकर वर्जन ऑफ हाइपोथेसिस और द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी सीम्स टू बी द करेक्ट वर्जन ऑफ हाइपोथेसिस और यू नो इट्स अ मोर प्रैक्टिकल
ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एप्लीकेबल है, क्योंकि हम देखते हैं कि यू नो डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स आइटम्स होते हैं, पीपल परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली, उनके लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, सो यू नो लैंग्वेज समहाउ हमारे थॉट्स को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बट टोटली डिटरमिन नहीं करता। सो इसके ऊपर काम हो रहा है अभी भी, राइट? नियो वर्फिज्म इज नाउ एक्टिव रिसर्च टॉपिक इन साइकोलिंग्विस्टिक्स। सो दिस वीकर वर्जन ऑफ हाइपोथेसिस इट स्टेट्स दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस अ स्पीकर्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड बट डज नॉट इनस्केपली डिटर्मिन, टोटली डिटर्मिन नहीं करता, इन्फ्लुएंस करता है। सो इसके लेवल्स देखेंगे, ये सेमियोटिक लेवल और डिस्कोर्स लेवल पे। सेमियोटिक लेवल पे यू नो डिस्क्राइब करता है जर्नल रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट को, जबकि डिस्कोर्स लेवल पे इसको जब हम एनालाइज करते हैं, इट टॉक्स अबाउट हाउ द पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज यूज इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह यूज़ करता है और किस तरह थॉट को आप के अफेक्ट करता है। सो व्हाट इज़ द फ्लॉ ऑफ दिस थियोरी, और यू कैन से इसका फ्लॉ या डिसएडवांटेज ऑफ सपियर वॉल्फ हाइपोथेसिस का डिसएडवांटेज क्या है? यू नो इट असर्ट्स दैट ईच लैंग्वेज हैव यूनिक सिस्टम एंड क्रॉस कल्चरल यू नो अंडरस्टैंडिंग। सो हर अपनी यू नो कल्चर डिफरेंट होती है, सो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो बट वी हैव सीन दैट वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, सो कल्चर रिलेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। सो द फ्लॉ इज दैट इफ अ पर्सन लैंग्वेज हैज़ नो वर्ड फॉर अ पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट देन दैट पर्सन वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट विच इज़ अनट्रू। सो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जी जर्मन लैंग्वेज में स्टन फ्री, सो इट्स जर्मनिक वर्ड, जर्मन वर्ड है जी, व्हेन यू हैव द होल हाउस टू योरसेल्फ। सो इंग्लिश लैंग्वेज डू नॉट हैज सच अ वर्ड बट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो इसके ऊपर काम करना है। सो इन अ कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया था द वीकर वर्जन इज मोर एक्सेप्टेबल। सो वी आर दस इंट्रोड्यूस टू अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी विच होल्ड्स दैट ऑल ऑब्जर्वर्स आर नॉट लेड बाय द सेम फिजिकल एविडेंस टू द सेम पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स अनलेस एंड अनटिल देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स आर सिमिलर और इन सम वे बी यू नो कोलैबोरेटेड। So this is all about Sapir-Whorf hypothesis. Thank you for watching.